हेलो व्यूअर्स, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी SCR डोजिंग मशीन की अनबॉक्सिंग, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फुल सेट लगा हुआ है हमारे डोजर सिस्टम का। ये आपका डोजर यूनिट है, हमारा डोजर मशीन है एम्प्रो की, और एयर कंप्रेसर है एयर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए, एक एक कंपोनेंट्स में आपको ओवरव्यू उनका दे देता हूँ। ये हमारे पास जो डोजर यूनिट है, ये कमिंस का डोजर यूनिट है इकोफिट, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये है हमारा एडब्लू टैंक, जो गाड़ियों में या ट्रक्सों में लगी रहती है, ठीक है। ये आपका सोलेनोइड वाल्व है एयर प्रेशर का, जो ये पाइप आ रही है हमारे एयर कंप्रेशर से, और यहाँ से जा रही है आपका एडब्लू नोजल पे। तो ये आपका नोजल आपको दिख रहा है। ये हमारा एश्योर मशीन है, जो आप देख पा रहे कि ऑन है, और हमने यहाँ पे कनेक्शन सारे करके रखे। ये आपका जो चला गया है डोजर यूनिट पे केबल यहाँ पे, और मेन पावर केबल पीछे है। और ये हमारा कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर, जो एयर सप्लाई करेगी आपको आपका डोजिंग यूनिट पे, और यहाँ पे जो प्रेशर, एयर प्रेशर मिनिमम 6 बार होनी चाहिए। तो ये आपका ऑल जितना सिस्टम्स है हमारे पास, जो जो आपके यूनिट्स चाहिए, कंप्रेसर चाहिए, उसका एक इंट्रोडक्शन था। और अभी हम जो डोजिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, कैसे आपको टेस्ट करना है क्या है। अब हम हमारा पास जो डोजर यूनिट है उसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ता है यूरिया पंप टेस्ट वाले ऑप्शन पर। यहाँ आप क्लिक करोगे, और जो मॉडल होती है आपके पास, जो डोजर मॉडल है, जो जैसे हमारे पास है कमिंस इकोफिट का मॉडल, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि कमिंस इकोफिट का मॉडल है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ही वो कनेक्ट होगा, आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखेगी, जैसे कितना वोल्टेज आ रही है, करंट स्टेट क्या है इसका स्टैंड बाई पे, फिर यूरिया प्रेशर अभी करंट कितना है, इसके बाद एयर प्रेशर कितना है, और टेम्परेचर कितना है। अभी यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है जो आप फंक्शन करोगे। फंक्शन टेस्ट में क्या क्या ऑप्शंस आता है, जैसे स्टैंड बाई में जब है, जब स्टैंड बाई करना है आपको, आपको ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तब स्टैंड बाई करनी है उसके। बिल्ड प्रेशर, मतलब आपको यूरिया और उसकी प्रेशर बिल्ड करनी है। एम्प्टिंग जो ऑप्शन है, जब आप डोजिंग कर दोगे, या फिर उसके बाद जो लाइन्स पे आपकी डोज एडब्लू जमी रहती है उसको निकाल देने के लिए, खाली करने के लिए। और जो लास्ट में 3 ऑप्शंस है, ये डोजिंग का ऑप्शन है आपके। जैसे आपको स्मॉल डोजिंग करना है तो स्मॉल फ्लो करोगे, मीडियम वर्क करना है तो मीडियम फ्लो करोगे, और लार्ज डोजिंग करना है तो लार्ज फ्लो करोगे। उसके अलावा और एक टेस्ट है, कंपोनेंट टेस्ट। यहाँ पे जो डोजर यूनिट्स के साथ जो जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे नोजल हो गया, एयर वाल्व हो गया उसका, फिर उसके अंदर जो मोटर है उसमें प्रॉब्लम है, और उसका बैक फ्लो वाल्व, ये सारे आप टेस्ट कर पाओगे यहाँ पे। अब हम कंपोनेंट टेस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास तो 2 टेस्ट है, फंक्शन टेस्ट जैसे जो डोजिंग करते हैं, और कंपोनेंट टेस्ट है। कंपोनेंट टेस्ट इसलिए कर रहे हैं पहले, क्योंकि जो हमारे पास डोजर यूनिट है, हमें वो देखना है कि उसके जो कंपोनेंट्स है वो सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करेंगे वो नोजल टेस्ट है। तो नोजल में जैसे ही इसको क्लिक करूंगा, तो देखिए वहाँ पे साउंड आ रही है, और यहाँ पे जो टाइमर है इसका टेस्ट का, वो टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो हमें वेट करना होता है जैसे वो चेक करता है कि। जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है, यहाँ पे देखिए इसका जो कलर है ग्रीन में हो गया, मतलब जो नोजल है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नोजल के बाद हम चलते हैं ईयर बल्ब वाले ऑप्शन पे। जैसे ही मैं ईयर बल्ब में क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए साउंड आ गया और टेस्ट आपका चालू हो गया। जैसे टेस्ट कंप्लीट होता है, इस ग्रीन कलर में ऑप्शन आना चाहिए, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपका जो डोजर ईयर वाल्व है वो सही से फंक्शन कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, मोटर वाले टेस्ट में। जैसे इसको क्लिक करेंगे, वहाँ साउंड आपकी चालू हो जाएगी, और आपको इस टाइम के लिए वेट करना होता है। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होगा, देखिए कलर ग्रीन में है, मतलब हमारा जो मोटर है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है बैक फ्लो वाल्व। तो इसमें हम नेक्स्ट वाले टेस्ट करेंगे। साउंड, जैसे ही हमने क्लिक किया साउंड आ गई, और इस टाइम के लिए हमें वेट करना है। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है, ग्रीन में ऑप्शन आ गया, इसका मतलब है जो आपका बैक फ्लो वाल्व है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जो कंपोनेंट टेस्ट जैसे हमने कर लिया, तो हमें पता चल गया कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं डोजर यूनिट में वो सही काम कर रहे हैं।
तो हम चलेंगे फंक्शन टेस्ट में। फंक्शन टेस्ट में जाने के लिए आपको देख रहे हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस है, तो जो डोजिंग करना होता है उसके लिए हमें पहले प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ गए, स्मॉल फ्लो, मीडियम फ्लो और लार्ज फ्लो। जो भी जैसे भी आपको टेस्ट करना, अगर आपको स्मॉल डोजिंग करना है आप स्मॉल फ्लो कर लेना, लार्ज करना है लार्ज कर लेना, मीडियम करना है मीडियम डोजिंग कर लेना। तो हम मीडियम डोजिंग करते हैं एक एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से डोजिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आपने देखा कि डोजिंग हो रही है और यहाँ पे देखिए कलर ग्रीन में चेंज होगा, इसका मतलब है जो डोजिंग हमारी हो रही है वो परफेक्टली हो रही है और जो हमारा डोजर सिस्टम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। और जब आपका डोजिंग ये ग्रीन हो जाएगा तो आपको इस टेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पे स्टैंड बाई में क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक और एक ऑप्शन है एम्प्टीइंग का, आपको दिख रहा है जो आपका डोजर या फिर एडब्लू जमा हुआ रहता है सिस्टम में उसको क्लियर करने के लिए ये वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ता है। तो सारे आपके जो जमे हुए डोज एडब्लू है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। जैसे आपका पूरा डोजर में जो जमी हुई एड ब्लू है वो खाली हो जाती है तो ये ग्रीन में हो जाती है, इसका मतलब है आपका जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल रहा। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा कि हमने जो अपना डोजर मशीन है उससे किस तरीके से जो अलग अलग डोजिंग यूनिट के कंपोनेंट्स है फिर डोजिंग टेस्ट है कैसे परफॉर्म किया। तो जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट 3 होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग जो टेस्ट करेंगे अपने नॉक सेंसर को कि नॉक सेंसर को कैसे टेस्ट करते हैं।